नफरत का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हेट टू, हेट थ्री के बाद अब हेट फोर आ रही है। हेट फोर के सितारे हमारे साथ हैं, उर्वशी राउतेला और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विशाल पंड्या, दोनों से खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो नफरत का जो सिलसिला है, फिल्मी नफरत का सिलसिला थम नहीं रहा, 8-4 आ गई है और 8-4 में आप नजर आएंगी, किस तरह का किरदार है सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। बहुत ही एक अमेजिंग मिक्स है दो डिफरेंट वर्ल्ड्स का। एक तरफ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, डोमिनेटिंग है और फियर्स है, और दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, रियल है, हेल्पलेस है। सो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इस कैरेक्टर को यू नो रियल लाइफ में प्ले करने के लिए, क्योंकि एक ये जैसे कहते हैं एक स्ट्रिप क्लब डांसर से वो सुपर मॉडल बनती है। सो बीइंग अ सुपर मॉडल दैट वाज समथिंग विच केम नेचुरली टू मी, बट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ी, और उसको लेकर के मैंने एक बैक स्टोरी और बायोग्राफी भी बनाई दाशा की, कि उसके विद द हेल्प ऑफ माई डायरेक्टर कि उसके पास्ट में क्या हुआ और उसका रिलेशनशिप बाकी सभी कैरेक्टर्स के संग क्या है, लंडन में क्या कर रही है, बिकॉज हमने इस पूरी फिल्म की शूटिंग लंडन और दुबई में की है। सो दिस टाइम हेट स्टोरी 4 इज द स्टेक्स आर हायर। स्ट्रिप्टीज लड़की की कोई कहानी नहीं है, इट्स जस्ट कि उनका वो प्रोफेशनल है। सो वी आर नॉट गोइंग द बैक स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर गर्ल। हम लोग ने उसको एक कैरेक्टर दिया है कि जहाँ पे लंदन में जब हम लोग गए थे तो कहानी वहाँ की हम लोग कैरेक्टर उन्होंने लिया था कि लंदन में एवरी डे का आपको रहना, एवरी मंथ का उनका जो अकोमोडेशन का खर्चा जो है खाने का, इट्स वेरी हाई। और 8-9 साल से जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो दूसरे कंट्रीज से आके रह रहे हैं काम के लिए, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो वही हम लोगों ने दिखाया है कि एक लड़की वहाँ पे जो चीज़ करना नहीं चाहती है, जस्ट टू स्टे देयर, अपने आप को वहाँ पे रखने के लिए, रहने के लिए, वो ये काम करती है। इट्स नॉट दैट शी वॉन्ट्स टू डू इट, कुछ मजबूरी है जो करती है, और जब वो लगता है कि वो मजबूरी से नाउ शी कैन गिव द आंसर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तब वो वहाँ से निकल जाती है। अच्छा, 2 बन गई, 3 बन गई, अब 4 बन गई, तो ये जानना चाहूँगा कि क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? जी हाँ। क्या ना, एक्चुअली अगली फिल्म में भी उर्वशी होंगी या कोई नई हीरोइन, क्योंकि अब तक हमने देखा है 2 में, 3 में अलग हीरोइंस थी, अब 4 में अलग हीरोइन, क्योंकि सबकी स्टोरीज डिफरेंट है, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। एंड से इसमें बताऊँ, एक्चुअली जब तक अच्छी स्टोरी मिलेगी तब तक मैं फ्रेंचाइजी मतलब आगे लेके जाऊंगा। वैसे हमने आपको पिछली फिल्म काबिल में एक सॉन्ग करते हुए देखा था, एक स्पेशल अपीयरेंस में देखा था आपको, वो भी एक रिक्रिएटेड सॉन्ग था। इसमें भी एक रिक्रिएटेड सॉन्ग आशिक बनाया आपने, जो हिमेश रेशम का बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत मिलियंस ऑफ हिट मिले हैं। कैसा रहा इस गाने पे परफॉर्म करना, और क्या अब आगे भी हम आपको ऐसे रिक्रिएटेड सॉन्ग्स पे देखेंगे? लगातार दूसरा है ये आपके लिए। जी, एज एन एक्टर ये कभी भी आपका डिसीजन नहीं होता कि आपको रिक्रिएटेड सॉन्ग्स में आना है। हसीनों का दीवाना, यस, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज ऑलरेडी महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने ये गाने में परफॉर्मेंस किया था, तो वो अच्छा करना था, बट सभी को पसंद आया, इस बात की खुशी है। अब ये सॉन्ग किया, आशिक बनाया आपने, तो आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम मैंने इसका म्यूज़िक सुना, तो जैसे कि मैं 11 तरह की अलग अलग डिफरेंट डांस फॉर्म्स करती हूँ, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें इस गाने में, तो इस करके हील्स कोरियोग्राफी आई। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि यानिस मार्शल हैं बॉलीवुड में, वो हील्स कोरियोग्राफी करते हैं, बट बॉलीवुड में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आशिक बनाया आपने में हमने हील्स कोरियोग्राफी की। जो बताएंगे हील्स कोरियोग्राफी क्या होती है? देखिए, हील्स कोरियोग्राफी एक बहुत ही अमेजिंग यूनिक फॉर्म ऑफ डांस स्टाइल है, जिसमें आप पेंसिल हील्स में परफॉर्म करते हो, 5 inches की होती है। सभी के लिए एक नॉर्मल उन हील्स में खड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट उसमें एक कोरियोग्राफी करना, अपने बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करके, जो इतनी डिफ़िकल्ट कोरियोग्राफी होती है उसको आप उसे करना, तो अपने नीज़ के बल पे और यू नो ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसे कहते हैं हील्स कोरियोग्राफी। तो अभी वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 55 million व्यूज़ ऑन यूट्यूब, वो भी इतने शॉर्ट टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी रिसीविंग बहुत पॉजिटिव फील होता है। अभी एक और नया प्रमोशनल सॉन्ग भी आया है, नाम है मेरा मेरा, जो कि रिक्रिएटेड वर्जन है, जो मिस दीपिका जो हैं उनका गाना है, तो वो भी हमने किया है, उसमें फिर से नहीं है डांस फॉर्म किया है, बैकिंग कोरियोग्राफी। सो हेट स्टोरी 4 इज नॉट ओनली फॉर हेट स्टोरी लवर्स, बट ऑल्सो फॉर ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वेरी पैशनेट अबाउट डांसिंग। जिनको भी डांसिंग का शौक है, वो हेट स्टोरी 4 आप बिल्कुल मत
बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी जब ये गाना आया था, आशिक बनाया आपने, तो मुझे उस टाइम क्योंकि उस टाइम के जनरेशन के हिसाब से यू नो इट वॉज वे टू मच, तो मैंने वो जब वो गाना रिलीज़ हुआ था उसके 3-4 साल के बाद एक्चुअली वो गाना देखा, तो आई एम पर्सनली तो इट वॉज या इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, बट हमारे लिए चैलेंज भी था बिकॉज क्योंकि ये एक रोमांटिक गाना है तो उसको एक कम्प्लीटली डिफरेंट यू नो डांसिंग ट्रैक बनाना वो भी अपना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमको अगर अलग करना है, हमको कुछ डिफरेंट लेकर के आना है, तो हम कैसे लेकर के आएंगे? दैट इज़ हाउ वी इन्फ्यूज्ड डांसिंग इन इट। एज यू कैन सी द सॉन्ग इज़ वेरी स्लो, वेरी सूदिंग, पर उसमें हमने डांसिंग की है, और वो भी कोई नॉर्मल डांसिंग नहीं की है, बहुत ही अनयूजुअल डांसिंग की है। इनफैक्ट नाम है तेरा तेरा, जो सॉन्ग है वो भी बहुत ही स्लो सॉन्ग है, बट उसमें भी हमने बहुत ही अनयूजुअल डांसिंग बैकिंग कोरियोग्राफी की। विशाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब आप पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि आप इरोटिक थ्रिलर इस तरह की फिल्में बनाते हैं, 2 हो 3 हो, वजह तुम हो जो, और 8-4, ऐसी जब ऐसी चीज़ें छपती हैं आपके बारे में, ऐसी बातें लोग बोलते हैं कि आप एक ही जॉनर की फिल्में और इरोटिक टिटिलेट करने के लिए ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं। लोग अभी तक, मैं हर इंटरव्यू में एक वो चीज़ बोला हूँ, इवन इन H3 वजह तुम हो, इसमें मैं वही बोल रहा हूँ, आप 2-2.25 मिनट के ट्रेलर में जब से 10 सेकेंड के किसिंग सीन आते हैं, आप उसको 10 सेकंड को इरोटिक मान के आप 2 मिनट को इग्नोर क्यों करते हो? आप इतना क्यों नहीं बोलते हो कि इट्स अ एजी थ्रिलर? सिर्फ 10 सेकंड को पकड़ के आपने इरोटिक डाल देते हो। आई एम रियली सरप्राइज के लाइक, या फिर आई मीन एक होता है कि लोग बोले इसलिए हम डाल देते हैं या समझ में नहीं आ रहा है। सो और रही बात मेरे पे इल्ज़ाम, आई एम ओके विद इट बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई हिट मेकिंग मशीन है। वो है कि हम लोग वो दिखाते हैं जो हम शूट कर रहे हैं, एंड बिकॉज जब शूट किया है तो एक होता है जब प्यार किया डरना क्या, वैसे ही जब शूट किया तो दिखाने को डरना क्या, सब लोग कर रहे हैं दिखाते नहीं है, हम लोग का फर्क है ये। आई थिंक आई एम लिटल एक्सेप्शनल एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम लिटल एक्सेप्शनल फ्रॉम ऑल देम कि लाइक मैं दिखाता हूँ जो मैं शूट किया तो, और इतना भी नहीं है जहाँ पे सेंसर बोले कि और जो कि ये अलाउड नहीं है, तो इतनी भी सेंस होनी चाहिए। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो कई लोगों को जो भी ये देख रहे हैं शो उनको पता नहीं होगा कि जो हेट स्टोरी 4 है वो इंस्पायर्ड है इस बार ट्रू इवेंट्स, जो भी ट्रू इवेंट्स है उस पर आधारित है, और हमारी मूवी जब एंड होगी तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सोशल मैसेज भी निकल के आने वाला है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो इसी तरीके से ये एक बहुत ही सोशल मैसेज भी आने वाला है, तो आई मस्ट से दैट दिस इज समथिंग विच पीपल शुड गो एंड वॉच आउट फॉर ऑन 9/5। उर्वशी, एक सवाल और कि हमने सुना कि Race 3 में भी आप स्पेशल अपीयरेंस देती नजर आएंगी, उसमें भी एक स्पेशल नंबर करने वाली है सलमान खान जिस फिल्म में है, कुछ बताएंगी? जी मैंने ये गाना सलमान के साथ है, कौन सा गाना है, क्या आपने आपसे प्रॉमिस किया है कि 9th मार्च तक मैं सिर्फ हेट स्टोरी 4 की माला जपने वाली हूँ, और जब तक आप सभी लोग हेट स्टोरी 4 नहीं देखेंगे तब तक ओनली एंड ओनली हेट स्टोरी 4 टिल 9th मार्च। सो गाइज, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी इट्स मोर देन पैसा वसूल फिल्म, सो देखना ना भूलें हेट स्टोरी 4 9th मार्च। बस जाते जाते एक सवाल इस सबसे हटकर कि श्रीदेवी जी का हाल ही में इंतकाल हो गया है, अंतिम दर्शन भी लोगों ने कर लिए, पंचतत्व में विलीन हो गई है वो, क्या कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे, कितनी बड़ी आप फैन रही हैं उनकी? वो मिले थी नहीं, वो मिले हैं, वो अभी भी यहाँ पे हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री का स्पैन अगर टोटल 100 साल होता है तो उसमें से मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो श्री मैम है वो 50 साल रहीं। अगर पूरी इंडस्ट्री का स्पैन बॉलीवुड का 100 साल आर्टिस्ट थी वो, हाँ, चाइल्ड तो 50% श्री मैम यहाँ पे थी और उन्होंने अमेजिंग वर्क किया है, वो हम सभी के लिए एक आइकॉन है, वो प्रेरणा स्रोत हैं सभी एक्ट्रेसेस के लिए। क्या बचपन में जब आप बड़ी हो रही थी, फिल्में देख रही थी, उनके गानों पर डांस करती थी, उनके डायलॉग्स बोलती थी, कुछ बताएंगे, कुछ सुनहरी याद? आई एम अ 90s चाइल्ड, बट जो उनकी फिल्म्स आई हैं बहुत पहले आ चुकी थी, तो मैंने काफ़ी सुना था उनकी फिल्म्स के बारे में, इस करके मैंने उनकी सभी फिल्म्स देखी हैं, चांदनी, मिस्टर इंडिया, चालबाज, मुझे सभी अच्छी लगती हैं, जुदाई भी बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक जो सब लोग बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आई एम रियली, अभी तक वो विश्वास नहीं हो रहा है, बट हैव नो वर्ड्स, एक्चुअली हैव नो वर्ड्स। अंतिम सवाल आपसे उर्वशी की, अगर श्रीदेवी की एक फिल्म हो जिसमें आपको श्रीदेवी का किरदार निभाना हो तो वो कौन सी फिल्म होगी? चालबाज और मिस्टर इंडिया, चांदी भी, जुदाई भी, एक्चुअली सभी फिल्म, बहुत सारी फिल्में, उन्होंने सब में इतना लेजेंडरी काम किया है तो बहुत मुश्किल होता है। बीबी, कौन सी बेस्ट फिल्म आपके हिसाब से? नहीं, एक्टिंग है ना? नहीं, बट आप बताइए। इफ आई वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म दैट विल बी लाइक फॉर श्योर चालबाज। माई टाइप ऑफ फिल्म है, मुझे पता है कि एक्चुअली मैंने अभी तक वो ऐसे की नहीं है, बट आई नो के
विशाल और उर्वशी एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने बहुत बहुत थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज। कैमरामैन सुजीत के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।